आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। Hey guys, welcome back to the new vlog. तो आज का व्लॉग तो बनाना तो नहीं सोचा था, इमरजेंसी में बनाना पड़ रहा है क्योंकि पीछे देखो गाइज बारिश लग चुकी है। बाय द वे आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ अच्छे से मैं। तो देखो गाइज जहाँ पे बारिश लग चुकी है हमारे, तो बाय द वे जहाँ पे बारिश के साथ साथ सूर्य देवता भी आ चुके हैं। तो बाकी देखो मम्मी जी कपड़े उठा रहे हैं, आपको पता ही है कपड़े गीले हो जाएंगे। तो चलो छोटी छोटी बातों को मैं पॉइंट इसलिए रखता हूँ क्योंकि आपको ना जो भी मैं चीज़ अपने साथ रिलेट करता हूँ ना आपके साथ, जो छोटी से छोटी चीज़ है उसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो इसलिए मैं यही मेरा कारण होता है कि मैं छोटी से छोटी चीज़ को ना बहुत ही बारीकी से आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। तो बाकी चलो कोई नहीं, बाकी करो आज की वीडियो को, सच में मज़ा आने वाला है। तो चलो बाकी वर्षा आ चुकी है, अब तो भाई नहाएंगे जरूर पक्का। तो चलो ठीक है गाइस, ओके। इसका तो मतलब ये है कि जेने कभी नहाए नहीं है, इसका मतलब होता है कि बारिश भी नहीं आएगी। ऐसा मत कहो भाई, देखो मैंने सुबह का नहाया भी नहीं है बहाने से। भाई देखो चलो बहाने से हम नहा भी लेंगे। तो चलो कोई नहीं गाइस, अभी आप देख रहे हैं पीछे। बाकी मतलब हैरानी की बात यह है कि साथ साथ धूप है और साथ साथ बारिश भी है। बाकी आप करो वीडियो को एंजॉय। तो चलो अभी तो व्लॉग को कंटिन्यू कर दिया, तो भाई आज तो वीडियो पक्का बना के हटेंगे। तो चलो ठीक है गाइस, ओके। फाइनली गाइस बारिश आई भी, ओनली ऑन 10 मिनट आई और बारिश खत्म भी हो चुकी है। तो मैं तो सोच रहा था नहाने का बारिश में। तो चलो कोई नहीं, मौसम तो ऐसा ही है, अभी ठंडा है मौसम, मुझे लगता है आज आएगी बारिश। तो फाइनली गाइस अभी मतलब घर पे ही कर लेते हैं कंटिन्यू तो ब्लॉग को। तो मम्मी जी तोड़ रहे हैं अभी कद्दू, और क्योंकि आपको पता ही है जो घरेलू लाइफ होती है उसमें जो मैक्सिमम सब्जी घर पे ही उगाई जाती है। हाँ तो गाइस है ना, मम्मी जी कद्दू तोड़ रही है ना, आज कद्दू की सब्जी बनाओगे फिर? क्या रायता बनाओगे या क्या बनाओगे, जा सब्जी कद्दू की? सब्जी नहीं बनाएंगे, सब ओरिया बनाएंगे। अच्छा ओरिया रायता, हाँ रायता बनाएंगे, जो हम बोलते हैं पंजाबी भाषा रायता बनाएंगे। क्या रायता बनाएंगे कद्दू, सब्जी सब्जी नहीं बनेगी ना? सब्जी नहीं बनाएंगे, सब्जी भी खिला देना क्योंकि दो है ना। कोई बात नहीं, सब्जी भी खिला देंगे, दो क्या इधर भी लगे हैं इधर भी। हाँ तो गाइस दिखाता हूँ मैं आपको जो घरेलू सब्जी होती है ना, तो मतलब ये कद्दू लगा हुआ है तो जहाँ पे, और मम्मी किधर है? इधर है। किधर, किस साइड पे? इधर से देखो। हाँ रुको, ये कद्दू लगे हैं। हाँ तो गाइस मतलब डानी, हाँ तो जिसको क्या कहते हो आप, लौकी? लौकी, हाँ लौकी कहते हो। तो गाइस घर की सब्जी खाने का कोई अलग ही मजा होता है। तो बाकी चलो कोई नहीं, बाकी आज के व्लॉग को कंटिन्यू कर लेते हैं। Quiet skies and countryside, it all comes flooding back to me. Watercolor when we had each other, caught up in the memory. तो गाइस इस साइड में मौसम ज्यादा ही गहरा हो रहा है, तो इस साइड में धूप निकली हुई है, तो सिस्टर जी काट रहे हैं कद्दू। And I fell in love, but you gave me up. I still don't know what happened. हमारा तो ऐसा ही चलता रहता है घर पे है ना, हंसी मजाक। बाल मैंने कटवाए थे यार, बाल भी बहुत बढ़ चुके हैं ना, कटवाने पड़ेंगे गाइस। इस बार ही क्या बोलते हो जाओ गंजा हो जाओ। छोटे से बाल कटवा लूंगा, छोटे छोटे रखूंगा, इतने 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 भी क्या रख लेते हैं, इतने 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 ठीक है, बहुत ही बड़े हैं भाई बाल। तो चलो ठीक है गाइस, ओके अभी आपको बाद में मिलूंगा। अभी बारिश के ना फिर से लगने के माहौल हैं, है ना। ऐसा करता हूँ छत पे चलता हूँ, आपको वहाँ से व्यू दिखाता हूँ। तो फाइनली गाइस अभी मैं छत पे आ चुका हूँ, तो अब आपको दिखाता हूँ बैक साइड पे जो व्यू है ना भाई, सच में इतनी वर्षा आएगी ना अभी लगता है मुझे रात को। Cheap white wine, I'll let you see my diamonds.
गाइस देख लो कितनी अभी बिजली भी कड़क रही है। तो गाइस जहाँ पे फिर से वर्षा लग चुकी है, तो देखो आप नज़ारे। देखो ओले पड़ रहे हैं जहाँ पे। फाइनली गाइस ओनली ऑन आधे घंटे के बाद वर्षा हट चुकी है। कितनी बिजली देखो भाई कितनी गड़करी है। तो गाइस सुबह सुबह ऐसे ही हंसी मजाक में मेरी बहन ने ऐसे ही कह दिया था कि नहाया नहीं है, मैंने नहा लिया था सुबह का, ओनली ऑन आपको हंसाने के लिए था। तो मैंने आपको जब भी कहा था कि भाई हम बारिश में नहाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी हमने नहीं किया क्योंकि आपको पता ही है कि सर्द गर्म हो जाएगा शरीर, इसलिए हम नहीं नहाए। अभी रात भी हो रही है, अंधेरा भी हो रहा है, तो अभी मम्मी जी चाय बना रहे हैं, तो चाय भी तैयार हो जाएगी। तो फिर चाय और आपको पता ही है वर्षा का कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो पीने से भाई मज़ा ही आ जाएगा। तो मौसम भी बहुत ठंडा है अभी। हाँ तो गाइस दिस इज चाय एंड दिस इज बिस्किट। तो गाइस आपको पता ही है जब बारिश का ऐसा माहौल हो और साथ साथ चाय हो तो पीने का अलग ही मज़ा आता है, आपको पता ही है। तो चलो करते हैं हम फिर चाय की चुस्की के साथ जहीं पे ब्लॉग को एंड। आई होप कि आपको आज का छोटा और प्यारा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, होम ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ, और नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जा रहे हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Yeah.